राजस्थान के मंडा क्षेत्र के सोरडा गांव से भाडू तरा जाने वाले सड़क मार्ग पर एक सरकारी स्कूल भवन है जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है, मगर आज सुबह एक युवक लाश मिलने के बाद गांव में यह बात आग की तरह फैल गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की तो मामला सही पाया गया। सोरडा स्कूल के पास एक मजदूर को मंगलवार को स्कूल के पास से एक मोबाइल मिला था, जिस पर उस मजदूर ने मोबाइल को अपने खेत मालिक को दिखाया तो मालिक ने फोन को मंडार पुलिस थाने में जमा करवा दिया गया। मगर आज सुबह सोरडा स्कूल के पास बकरी चराने वाले एक पशु पालक को स्कूल के पास बदबू आने पर उसने इसकी सूचना सोरडा निवासी महेश जोशी, फिरोज सोरडा, शांतिलाल चौधरी को देने पर ये लोग स्कूल पहुंचे तो आसपास तलाश करने पर कुछ नहीं मिला। जब अंदर की तरफ गए तो बदबू तेज आने लगी तो अंदर एक युवक का शव पड़ा होने पर इन लोगों ने इसकी सूचना मंडार पुलिस को देने पर थाने के ASI उदाराम, हेड कांस्टेबल भवानी सिंह मौके पर पहुंचे। मामला सही पाने पर पुलिस ने मोबाइल के आधार पर युवक की पहचान करने का प्रयास किया गया। मंडार थाना अधिकारी रविंद्र पाल सिंह ने बताया कि देर शाम को युवक की पहचान कृष्ण सुथार पुत्र प्रार राम जाति सुथार निवासी रोडा बड़गांव जिला साचौर के रूप में उसके परिजनों द्वारा पहचान की गई। इधर बदबू आने के बाद पुलिस ने बताया कि युवक का शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। अब पुलिस बारीकी से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद दोपहर 3 बजे के आसपास जिला पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी लेने के साथ रेवदर पुलिस उपाधीक्षक रूप सिंह इंदा मंडार थाना। जागरूक टाइम्स के लिए मंडार से अशोक भाटी की रिपोर्ट।